जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देख रहे हैं द फ्रीडम पर इस समय खास श्रृंखला जो अमर शहीद उधम सिंह पर केंद्रित है, मोहम्मद सिंह आज़ाद। और इसके पिछले वीडियो में अब तक हम लोगों ने देख लिया था कि डायर को जिस दिन मारा था उधम सिंह ने, उस दिन वास्तव में क्या हुआ था और वहाँ उस जगह के बारे में, उस दिन की घटनाओं के बारे में। फिर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, हिरासत में उन्हें रखा जाता है और पहली बार थाने में जब उनका लिखित बयान दर्ज किया गया, और साथ ही यह भी हम लोगों ने देख लिया है कि भारत से उधम सिंह के बारे में क्या रिपोर्ट आई थी। इस वीडियो में फिर से हम लोग लौटते हैं जब उधम सिंह को पकड़ करके थाने में रखा गया है। थाने के एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया, कैनन रो पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया है। और जो रिपोर्ट है, जो दस्तावेज हैं, वो बताते हैं कि उनकी टाई, उनके जूते और ब्रेसेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेसेज से अगर कोई और अर्थ निकलता है तो मुझे नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आया ब्रेसेज का मतलब क्या हुआ। लेकिन मुझे ये, मैंने ये अनुमान लगाया कि शायद ये कड़ा जो शायद पहने हो उसके बारे में लिखा हुआ हो, या ब्रेसेज कोई पहनने वाला, मुझे नहीं पता है। मुझे ब्रेसेज के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके जूते, उनकी टाई जो उन्होंने पहन रखी थी, नेक टाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी में, ये चूंकि पूरा दस्तावेज है, और ब्रेसेज, ये सब बाहर लावारिस की तरह एक जगह, एक कोने में डाल दिए गए थे। और उधम सिंह को, यानी वो आदमी जो खुद का नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद बता रहा था, उस आदमी को एक थाने के कमरे में बंद कर दिया गया है स्टील के दरवाजों के पीछे। तो ये उस समय, ये 9:30 रात के बाद की बात बताई गई है, दर्ज की गई है। उधम सिंह पर जो चार्ज लगाए गए, आरोप लगाए गए, उसमें ये दर्ज किया गया कि इस व्यक्ति ने लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर और सेंट्रल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर कैक्सटन हॉल में जानबूझकर और पूर्व से सोच समझ करके, पूर्व के द्वेष के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर नाम के व्यक्ति की हत्या की। ये चार्ज है। आगे फिर और चीज़ हम लोग इस संबंध में देखेंगे, केस में क्या क्या उसमें कहा गया है। तो ये चार्ज अब हम लोग इसके साथ ही देख लेते हैं कि उनकी उस समय तलाशी ली गई तो क्या क्या चीज़ें उनके पास से बरामद हुई। सोशल मीडिया ने और फिल्मों ने हमें ये बताया है कि वो पिस्तौल एक किताब में काट करके, पिस्तौल की तरह एक किताब को, मोटी किताब को उन्होंने काट दिया था और उसमें पिस्तौल छिपाई थी और वही लेकर के गए थे मारने। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें बरामद हुई थी और वो किस हालत में कौन सी चीज़ थी। बरामदगी सूची देखिए, जो उधम सिंह के गिरफ्तारी के समय, या कहिए कि उनको हिरासत में जिस समय लिया गया, उस समय उनकी जो सर्च हुआ, उनकी तलाशी ली गई, तो जो सामान बरामद हुए, 2/D सिल्वर, 31/2D ब्रॉन्ज, 1 फ्रेंच फ्रैंक, 2 रशियन 30 रूबल नोट्स, 1 स्मिथ एंड वेसन 6 चैम्बर्ड रिवॉल्वर नंबर 16586, फ्रेम नंबर 1489, कंटेनिंग 2 एम्प्टी कार्टेज केसेज, इट इज ऑफ द टाइप यूज्ड बाय HM फोर्सेज इन द ग्रेट वार 1914-1918, इट हैज ए बैरल ऑफ 61/2 inches इन लेंथ। इस हथियार को बॉर्नमाउथ के एक सिपाही से खरीदा था। 1 वुडन बॉक्स कंटेनिंग 25 राउंड ऑफ 0.44 एम्यूनिशन, 1 रेड डायरी 1940, 1 मेटल रिस्टलेट वॉच, 1 सेडार वुड बॉक्स कंटेनिंग 6 सिगरेट्स, 2 रबर सीट्स, 1 स्क्रू ड्राइवर, 1 कैबलर्स नाइफ, 2 लेदर नोट केसेज,
वन फोटो केस, वन बॉक्स की, वन मोटर कार, इग्निशन की, टू कलर्ड हैंडकरचीफ्स, टू न्यूज़पेपर कटिंग, वन नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर EAOK/305/7 इज नेम ऑफ आजाद सिंह, थ्री फोटोग्राफ्स, वन पेयर ऑफ सस्पेंडर्स, वन पेयर ऑफ शू लेसेज। ये सारे सामान उधम सिंह के पास से उस समय बरामद हुए थे। इन सामान के बारे में पुलिस ने और भी अधिक छानबीन की तो पुलिस को ये पता चला कि कैदी के पास यानी उधम सिंह के पास जो राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड मिला है, नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है जिसका नंबर था EAOK/305/7, वह 29 सितंबर 1939 जिस दिन राष्ट्रीय पंजीकरण दिवस मनाया जाता था, नेशनल रजिस्ट्रेशन डे, उसी दिन वो रजिस्ट्रेशन किया गया था, वो कार्ड बना था और उसके हिसाब से, कार्ड के हिसाब से इस व्यक्ति का यानी उधम सिंह का जन्म 23 अक्टूबर 1905 को हुआ था। व्यवसाय में कारपेंटर लिखा हुआ था और पता में लिखा हुआ था 581 विम्बॉर्न रोड बोर्नमाउथ। जो फॉर्म उन्होंने भरा था रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें उन्होंने खुद को शादीशुदा बताया है। साथ ही जो उधम सिंह के पॉकेट से दो अखबारों की कॉपी मिली थी, जो कटिंग थी अखबार की, उसमें से एक अखबार की कटिंग थी शांति घोष और सुनीति चौधरी, और इन दोनों के बारे में पहले से द फ्रीडम पर वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं ये वीडियो और उसे देख करके आप इनके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, शांति घोष और सुनीति चौधरी के बारे में। तो इनके बारे में एक खबर छपी हुई थी और एक और जो दूसरा था उसमें एक मानचित्र बना हुआ था और फिर लंदन में इंडिया हाउस जो था उसका ऑफिस का पता दर्ज था पीछे और एक मानचित्र कोई था, ये मिले। अब जो सामान बरामद हुए उसमें से आप देख लीजिए कि एक डायरी मिली है जो 1940 यानी उसी साल की है जिस साल की ये घटना है, 1940 में ही ओडायर को भी मारा है उधम सिंह ने, तो वो डायरी और वो कंप्लीट डायरी है, उसमें कहीं भी कटिंग फटिंग और वो पिस्तौल के टाइप का कटिंग कुछ भी ऐसा सामान नहीं मिला है। दस्तावेजों में कम से कम कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है या किसी के बयान में या कहीं से भी कुछ ऐसा दर्ज नहीं है कि उनके पास से कोई ऐसी किताब मिली या किताब में छिपा करके रिवाल्वर ले गए थे। तलाशी के दौरान जो सामान बरामद हुए उनमें से एक ये जो किताब कॉपी कलम जो भी इसको समझ लीजिए, उसमें से किताब या कॉपी के नाम पर, नोटबुक के नाम पर एक रेड डायरी का जिक्र है, लाल डायरी है जो 1940 की ही ये डायरी है। इस डायरी में क्या क्या लिखा हुआ था वो भी है, देखेंगे हम लोग आगे के वीडियो में। अभी ये जो तलाशी के दौरान सामान मिले हैं इसके संबंध में एक दो बयान हैं। एक तो बयान ये है जो उनके पास से 25 गोलियां मिली हैं रिवाल्वर की, वो रिवाल्वर के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये रिवाल्वर कौन सा है, रिवाल्वर का नंबर क्या है और किस तरह का रिवाल्वर था। फिर से देख लीजिए जो रिवाल्वर उधम सिंह के पास से बरामद हुआ है, जिस रिवाल्वर से उन्होंने मारा है, वो रिवाल्वर था स्मिथ एंड वेसन, 6 चैम्बर वाला ये रिवाल्वर था जिसका नंबर था 16586, फ्रेम नंबर इसका था 1489 और जिसमें दो खाली कारतूस के कार्टिज थे और प्रथम विश्व युद्ध के समय HM बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला यह हथियार था। HM बल क्या है अभी मैं नहीं समझ पाया हूँ, ये कुछ पता चलेगा तो फिर आगे इसकी चर्चा की जाएगी। और इस रिवाल्वर के बैरल की लंबाई 61/2 inches है, ये लिखा हुआ है। थाने में एक पुलिस सर्जेंट है जॉन मैक विलियम, उसका बयान है कि उसने उधम सिंह से कहा कि अब तुम्हें हिरासत में लिया जाएगा, तो वो जो आरोपी है कैदी है वो चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं उसकी तलाशी कर रहा था तो उसके जैकेट के दाहिनी जेब में जब मैंने हाथ डाला तो लकड़ी का एक बक्सा मिला जिसमें 17 गोलियां थी। फिर पैंट के दाहिनी तरफ की जेब में हाथ डाला तो उसमें बिखरी हुई 7 गोलियां थी, मतलब कार्टेज में नहीं, वो गोलियां ऐसे ही रखी हुई थी। तो इस तरह से 17 और 8 25 कारतूस, 25 गोलियां बरामद हुई साथ में।
पहले के वीडियो में ही ये बताया जा चुका था कि ये लिलेनियम चाकू एक होता है, वो पहले ही इनके पास से, इन्होंने खुद ही बता दिया था कि मेरे पास ये चाकू है और उन्होंने दे दिया था। और फिर दो खाली खोखे, जो गोलियां इन्होंने चलाई थी, तो जहां ये लेटे हुए थे वहां से एक आदमी को दो खाली कारतूस, चलाए हुए कारतूस मिले थे, जिसको खोखा हम लोग बोलचाल में कहते हैं। तो वो फिर ये जो जॉन मैक विलियम नाम का सर्जेंट है उसे किसी आदमी ने दिया था, ये भी उसने दर्ज कराया है। फिर एक इंस्पेक्टर था, जासूस इंस्पेक्टर था, फिशर उसका नाम था, उसने छानबीन इस केस में बहुत अधिक की थी और जो नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड था उसके बारे में उसी ने जांच की थी और फिर उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है जिसके बारे में पहले जिक्र हुआ, फिर से उसको समझ लीजिए कि उसमें ये हुआ था कि नेशनल रजिस्ट्रेशन डे के दिन ये कार्ड बना था इनका, खुद को शादीशुदा बताया है और उसमें अपना पेशा बताया है कारपेंटर यानी बढ़ई, अपना पता इन्होंने बताया है 581 बिम्बॉर्न रोड बॉर्नमाउथ और जन्म अपना बताया है 23 अक्टूबर 1905। तो ये अभी तत्काल जब वो थाने में बंद हैं उस समय की बात है, जो चार्ज इन पर लगाया गया वो कि वो डायर को इन्होंने जानबूझ करके और पूर्व के द्वेष के कारण मारा। तलाशी के दौरान जो कुछ भी मिला उसे हम लोगों ने देखा और साथ ही उन चीज़ों के बारे में जो कुछ भी और अधिक जानकारी उपलब्ध है वो हमने, कि रिवाल्वर किस तरह की थी जिससे उन्होंने मारा है, गोलियां चलाई हैं, वो रिवाल्वर के बारे में जानकारी, और साथ ही हम लोगों ने देखा कि नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आज के आधार आप देखते हैं उसी तरह से आज जो आधार बन रहा है सबका, उसी तरह से वहाँ उस समय इंग्लैंड में नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड बन रहा था, वो नागरिकों को हर नागरिक के बारे में जानकारी जिसमें होती थी उस कार्ड के बारे में हम लोगों ने देखा और क्या क्या उस समय उन्होंने अपनी जानकारी दी थी वो हम लोगों ने देख लिया। साथ ही न्यूज कटिंग मिले हैं दो उसके बारे में। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस श्रृंखला के जो पिछले वीडियो हैं वो तीन वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप देख लीजिए, ये तीनों थंबनेल हैं, इन्हीं थंबनेल पर आपको वो मिल जाएगा, अभी लेटेस्ट ही वो वीडियो जारी किया गया है तीनों, तो उसको ज़रूर देखिए तभी ये पूरा सिलसिलेवार आप लोगों को समझ में आएगा, या कोई भी जो श्रृंखला चल रही है उसके जब तक कि सभी वीडियो नहीं आप देखेंगे पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो वो हर वीडियो उसका ज़रूर देखिए जिस भी श्रृंखला में या जिस क्रांतिकारी में आपकी रुचि है या जिस घटना में आपकी रुचि है। और वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी से आग्रह कि आपके संपर्क में, आपकी जानकारी में जो कोई भी लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रांतिकारियों में दिलचस्पी है उन तक वीडियो पहुंचाइए, चैनल का नाम पहुंचाइए, उनसे कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो कोई फरमाइश है किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या जो नंबर डिस्प्ले में आता है चलता है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।